दोस्तों भारत और वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले ओडीआई मैच आज से यानी रविवार 6 फरवरी से शुरू हो चुकी है और पहले गेंदबाजी करते हुए भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने आते ही धमाका कर दिया। पारी का तीसरा ओवर जब सिराज लेकर आए तब ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद को शई होप ने लगातार 2 जबरदस्त चौके जड़कर सिराज को दबाव में डाल दिया था। इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा सिराज के पास जाते हैं और अपनी लेंथ को बदलने कहते हैं। तो फिर इसके बाद क्या, सिराज अगली गेंद को तेज रखते हैं और इस बार गेंद को गुड लेंथ पर रखा था। सही हो गति से चकमा खाते हैं और क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। 2 चौके खाकर तीसरे गेंद में वापसी करने के बाद सिराज का अग्रेशन का ठिकाना नहीं था। आखिरी हंसी सिराज ने ली। दोस्तों क्या भारत पहला मैच जीत पाएगी या नहीं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।